हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के बादो के। हाय गाइस, दिस इज़ के बादो के फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इंडिया। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हो, मैं हूँ अपने नेफ्यू के साथ। ये अभी सो के उठा है एंड इसका मम्मी सुबह से घर के कामों में लगा है। नानी गई है सुअर दाना काटने। तो लाइक यू नो गाइस, जब भी मैं घर में होती हूँ ना, मैं कुछ नहीं कर सकती, ना ही मैं ब्लॉग्स बना सकती हूँ, ना ही मैं घर के बाहर इजीली जा पाती हूँ, क्योंकि इसका मम्मी जो है घर के कामों में उलझी रहती है एंड मैं मम्मी को तो मैं नहीं बोल सकती और ये आ जाता है मेरे पास। तो अभी ये है मेरे पीछे, मैं देखो क्या कर रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट इसका मम्मी सुबह से घर का पोछा लगा रही है एंड खाना भी बना रही है। तो सब्जी तोड़ेंगे मैं और नेफ्यू। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आज आपको एक सब्जी दिखाने वाली हूँ, एक लीफी वेज जो अरुणाचल में मिलता है। वो बाहर भी मिलते होंगे लेकिन आप सबको नहीं पता होगा कि वो उसको खाया भी जाता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए और मैं और उमर चलते हैं सब्जी तोड़ने। देखो ये क्या देख रहा है, ओली आओ। तो चलिए हम चलते हैं सब्जी तोड़ने। तो हम जा रहे हैं सब्जी तोड़ने के लिए ना उमर। तो चलिए 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 सब्जी तोड़ने चलते हैं। और ये मेरा भाभी घर साफ कर रही है सुबह से। और ये मेरा नेफ्यू, उसका मम्मी को देख के रोने वाला है। तब कुके तुलम ने पी लिया है मम्मी का दूध। और ये हमने लिया है गिंची, ट्रेडिशनल बास्केट। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जी तोड़ने। तुलम हिलना मत। ओह ये कितना रिस्की है। तैयार दादा को जोर से पकड़े रहे। आ गया और आया। और हम हैं अभी बागान में और तुलम और हम क्या तोड़ने वाले हैं वो दिखाती हूँ मैं अभी। ये इन हियर लोकली वी कॉल इट और एंड पता बाग। एक्चुअली यू नो आई बिलोंग टू द गालो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड अरुणाचल में गालो ट्राइब इज लाइक यू नो डिवाइडेड इनटू फोर वेल्थ। एक है लोदू, पुगो एंड लारे एंड करका। मैंने अभी जो भी बोला वो आप सबको समझ में नहीं आएगा, फिर इस बारे में मैं बाद में दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। एंड आई बिलोंग टू करका बेल्ट, तो हमारे यहाँ इसको और बोलता है। एंड मेरा भाभी जो है वो है लारे बेल्ट से, तो भाभी लोग बोलता है इसको पताबाग। एंड इट्स बोटानिकल नेम इज सोलैनम अमेरिकनम एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अमेरिकन ब्लैक नाइट सेड और ग्लॉसी नाइट सेड। और देखो ये पाया जाता है अमेरिका, मेलेनेजिया, न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया एंड कुछ इंडियन मेडागास्कर के आसपास एंड कुछ हवाई में एंड कुछ एशियन कंट्रीज में। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल इट्स इसका बेरीज होता है। देखो मैं अभी दिखाती हूँ, ये है इसका बेरीज, ये अभी राइप है एंड ये है कच्चा वाला। तो अकॉर्डिंग टू गूगल ये पॉइजनस होता है और हम भी ये नहीं खाते, बट इसका जो लीव होता है ना इसको हम लोग खाता है। एंड इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा बिटर होता है, बट जिसको करेला पसंद होगा ये ऑब्वियसली पसंद आएगा। एंड इसका स्मेल भी होता है थोड़ा सा, बट ये अच्छा ही बनता है। मैं अभी ये तोड़ रही हूँ और मैं बाद में आपको ये दिखाऊंगी कि इसे बना के खाते कैसे है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए एंड मेरा नेफ्यू को देखो वो क्या कर रहा है। ओए ओए नो 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 तना तना क्या।
ये हम तोड़ रहे हैं सब्जी, एंड मेरा नेफ्यू भी पीछे बहुत तंग कर रहा है क्योंकि गर्मी भी है ना। ये हवाएं पूछती हैं तो तुलम सूरज है तू मेरा चंदा है तू हम तो क्या ओ मेरी आंखों का तारा है तू तुलम। हम दोनों ने सब्जी तोड़ लिया है एंड तुलम हम दोनों अभी बागान से निकलेंगे ऊपर की तरफ। देखो 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 तुलम हम दोनों ने सब्जी तोड़ लिया है अभी हम दोनों बागान से निकलेंगे घर की तरफ। ओय 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 रुको इतना आया आया पूरा सब्जी भी गिरा दिया बच्चू आया पूरा सब्जी गिरा दिया तुम तो। देखो यहाँ पे बनानास भी है एंड यहाँ देखो ये नदी है घर का नीचे। अभी हम आपको सब इसका सब्जी कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे। आए मम्मी सुअर दाना काटने गया नंगुबुरा आटा आटा ये नहाने वाला है अभी उन्होंने नंगे ठीक है दादा 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 क्या आ गया तुलम का दादी बहुत ज्यादा सब्जी तोड़ के देखो क्या तोड़े ये है इसको हम लोग यहाँ में ओटा का बोलते हैं। दिस इज फिडल हेड पर्न एंड ये है सुअर का दाना। इसको वहां से तोड़ के लाने के बाद ऐसे करते हैं हम फिर शाम को बॉईल करके या फिर फ्राई करके खाएंगे हम। देखो चार भी पट गया बीच से। सो गाइस अभी मैं बनाने वाली हूँ पहले मैंने जो सब्जी तोरी थी तो उसके लिए पहले गैस जला लेते हैं एंड जैसा कि सब लोग करते हैं वी लेट द पैन गेट हीटेड एंड आफ्टर दैट वील एड अ लिटिल अमाउंट ऑफ कुकिंग ऑयल। तो इस सब्जी को बनाने का सबका अपना अपना तरीका है यहाँ पे बट मैं बहुत सिंपली बनाती हूँ। एक्चुअली वी पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश डोंट ईट मच स्पाइसी फूड सो या तो उस दिन मैंने जिसने देखा है उसको पता होगा कि मैंने लुक्तुर बनाया था चिली से तो मैंने आज ये लुक्तुर लिया है एंड वी हैव लाइक ड्राइड बेम्बू सूट हियर एंड या अभी कढ़ाई भी गर्म हो गया है सो बस हम लोग कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लेंगे बहुत कम या ले लिया है एंड लाइक यू नो गूगल के मुताबिक तो इस सब्जी का जो बेरीज होता है दैट्स पॉइजनस बट हमारे यहाँ तो हम खाते हैं बट हमें तो कुछ नहीं हुआ पता नहीं वहाँ ऐसा कैसे लिखते हैं। मैं क्या बोलूँ अब बट मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये बेरीज ना खाइए क्योंकि गूगल के मुताबिक ये पॉइजनस है एंड अगर आपने इसको खा लिया तो कुछ भी हो सकता है बट हम तो खाते हैं यहाँ पे। तो अभी ये गर्म हो गया है सो वील जस्ट आई जस्ट एड 2-3 क्लॉव्स ऑफ क्रस्ट गार्लिक क्योंकि हमको गार्लिक बहुत पसंद है और यहाँ से स्मेल बहुत अच्छा आता है सो आई जस्ट लव गार्लिक एंड नो टर्मरिक कुछ नहीं जस्ट सिंपल एंड प्लेन। तो हाँ ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है सो वील एड दिस सोलेनम अमेरिकनम द
बस हमें ये इस तरह से चलाना है। ये बहुत जल्दी बन जाता है एंड तो हमें सिर्फ फ्राई ही करना है तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो विल एड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू आर टेस्ट, नमक स्वाद अनुसार डालिए आप लोग। एंड या हमारे यहाँ के लोग चिलीज बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली मेरा भाभी एंड मम्मी, बट मुझे इतना पसंद नहीं क्योंकि उससे मेरा पेट में जलन होता है, सो मैं कम ही यूज़ करूँगी। तो मैंने ये लुप्तर ऐड कर लिया है एंड ये जो ड्राइड बैम्बू सूट होता है ना वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो देखिए ये एंड इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। पता नहीं भाभी ने क्या बनाया, देखूं मैं। भाभी ने चिकन बनाया है तो आज चिकन खाने वाले हैं हम। लगता है ये अभी बनके हो ही गया। माय गॉड, तुरु लो, इट्स हॉट। देखो ये बनने के बाद बहुत कम हो जाता है एंड पता है कैसे चेक करें ये पक गया है कि नहीं, डन और नॉट आई विल टेल यू। तो ऐसे उठा लेते हैं हम एंड इसका जो स्टेम होता है ना इसको चेक करना होता है। आओ देखो, इट्स सो हॉट। मैं आपको बता दूँ, देखो ये इजीली दब रहा है, देखो। तो इसका मतलब ये कि ये बन के हो गया है, ये बन गया है। इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा बिटर आता है, तो जिसको करेला पसंद है ना दे विल लव दिस एंड आई जस्ट लव दिस। भाभी का चिकन ट्राई कर लेती हूँ मैं, बहुत अच्छा बना। और मैं बताऊँ कुछ, मुझे ना ये चिकन बोन्स बहुत पसंद है। तो ये है आज का लंच जो ये पहले बनाया था एंड ये जो भाभी बनाया है एंड ये है फोन जो स्पेशल बनाया है। सो लाइक जैसा कि मैंने आपको मेरा पहले वाला ब्लॉग लुप्तर वाला ब्लॉग में बताया था कि लाइक माय मॉम हैज टॉट अस एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, सब लड़कियों को करना चाहिए कि लाइक यू नो व्हेन एवर हम जब किचन में काम करते हैं तो वी गर्ल्स शुड टाई अराउंड अ स्कार्फ और एनी पीस ऑफ क्लॉथ इन आर हेड ताकि ये जो बाल होता है ना वो गिरे नहीं एंड कहीं खाने में ना चला जाए। तो मेरा मम्मी हमेशा ये बोलती है कि जब भी तुम किचन में काम करो तो हमेशा बालों में कुछ कपड़ा बांध के काम करो ताकि तुम्हारा बाल गिर के खाने में ना गिर जाए। और कभी जब घर में मेहमान आते हैं तो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस एंड दोज हु हैवन्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग एंड या एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो इज़ आउट आई रियली होप यू गाइस कुड स्टे सेफ एंड बी हैप्पी ऑलवेज एंड या टिल माय नेक्स्ट वीडियो इज़ आउट आई लव यू ऑल बाय बाय।